सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेरी गुड आफ्टरनून। मैं आशीष ठाकरे, डायरेक्टर छत्रपति शिवाजी आईटीआई, फिर से आप लोगों से ऑनलाइन क्लासेस के संबंध में कुछ विषयों को लेकर बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। अभी विगत माह से जो ऑनलाइन क्लासेस संस्था ने संचालित करने का निर्णय लिया था, वह अभी सफलतापूर्वक संचालित हो रही है, जिसमें आप लोगों का बहुत अच्छा सराहनीय उसमें पार्टिसिपेट हो रहा है। किंतु उसमें कुछ महत्वपूर्ण दो तीन चीज़ों के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा। जैसे अभी जितने भी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं, आपको उसके बारे में कुछ अगर समस्या है या कोई टेक्निकल चीज़ें आपको उसकी नहीं समझ में आती है, या उस विषय के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उसका आपने तुरंत इमीडिएट उसका रिप्लाई देना चाहिए, उसका फीडबैक देना चाहिए। आपको इसके पूर्व में भी बताया जा चुका है कि अगर आपका फीडबैक हमें नहीं मिलेगा, तो यह हमें मानना पड़ेगा कि आपको जो भी चीज़ें समझाई जा रही है, जिन चीज़ों का आप अध्ययन कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन पढ़ाई जा रही है, वो आपको पूरी तरह से समझ में आ रही है, ऐसा हमें मानकर चलना पड़ेगा। उससे अगर किसी को कोई समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, तो उसका इमीडिएट आप उसका रिप्लाई दें, जिससे उस विषय को पुनः एक बार आपके सामने इंस्ट्रक्टर जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको फिर से आपके सामने लेकर आएंगे। दूसरा विषय यह है कि आपके द्वारा जो वीडियोस या जो भी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो भी विषय आ रहे हैं, अब उस विषय को आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, यह हमें कैसे पता चलेगा। हम यह चाह रहे हैं कि जैसे पूर्व में भी मैंने बताया था कि DGT ने परीक्षा में बैठने के पूर्व आपकी 75% उपस्थिति अनिवार्य करके रखी है, तो उस अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए हम यह चाह रहे हैं, एक छोटा सा प्रयास यह कर रहे हैं कि ये जो 2-3 माह की का जो समय है, वह भी आपके जो आने वाला समय रहेगा जिसमें किस प्रकार की अनिवार्यता उनके द्वारा की जाती है, तो इसे भी हम आपकी उपस्थिति के को मतलब ध्यान में रखते हुए ऐसा एक छोटा सा हम विकल्प दे रहे हैं कि आप जो भी वीडियो देखते हैं, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, संपूर्ण नाम, आपका नाम, पिताजी का नाम एवं आपका सरनेम ऐसा लिखें, जिससे वह वीडियो तो सेव रहता है YouTube में, लेकिन भविष्य में जब भी उसको हम देखेंगे तो आपका नाम और आपका वो उस समय का समय रहेगा कि इस तारीख को इतने बजे आपने वहाँ पे कमेंट किया है, वह आपकी उपस्थिति का बहुत अच्छा एक प्रूफ है, एविडेंस है। तो सभी प्रशिक्षणार्थियों से निवेदन है, और आपको निवेदन का शब्द इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि अगर आप वह वीडियो देख रहे हैं, उस विषय के बारे में जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपका नाम, संपूर्ण नाम लिखे, जो आपकी उपस्थिति में सहायक होगा। दूसरा विषय, आपको जो गृह कार्य होमवर्क दिया जा रहा है, वह भी आप पूर्ण करें। अगर आप उस विषय को देखते हैं, समझते हैं, तो तत्काल अगर उस विषय से संबंधित जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, वो अगर आप पूर्ण करते हैं, तो वह विषय आपका 100% पूर्ण हो जाता है। मतलब आपकी जो मेमोरी है, उसमें वह विषय पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप उसको होमवर्क बनाने में कुछ समय निकालते हैं, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, आपका विषय वह छूट जाएगा। तो इमीडिएट आपको जब भी वह सर लोगों के द्वारा होमवर्क दिया जाता है, तो आप उसको तत्काल पूर्ण करके अपने जो भी ग्रुप है उसमें भेजें। आने वाले समय में अखिल भारतीय जो हमारी DGT की जो परीक्षा है, मुख्य परीक्षा NCVT के द्वारा, वह ऐसा सूत्रों से प्राप्त हो रहा है कि आने वाले जुलाई माह में 15 या 20 तारीख से वह पूर्ण मतलब चालू हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस परीक्षा के को ध्यान में रखते हुए हम अभी से जिन विद्यार्थियों ने, प्रशिक्षणार्थियों ने पढ़ाई चालू नहीं की है, प्रारंभ नहीं की है, या ऐसे विद्यार्थी जो अभी तक इस WhatsApp ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, उनको भी आपके मित्र होंगे तो उनको बोलिए कि आप इस ग्रुप से जुड़िए, और इस ग्रुप में जो आपका सिलेबस पूर्ण हो रहा है या जिसका रिविज़न हो रहा है, उसके माध्यम से फिर से आपको एक कम समय में आप पूरा सिलेबस उसको पूरा कर सकते हैं और आने वाली परीक्षा में आप सफल हो सकते हैं। अब परीक्षा जो जुलाई माह से होने वाली है, जुलाई के अंतिम सप्ताह में होने जा रही है, ऐसा पता चला है,
तो उसके लिए आपको इस माह में मतलब जून माह में ही परीक्षा फॉर्म आपके भरना पड़ेगा। अब यह निर्धारित होगा कि जब पोर्टल खुलेगा तब संस्था द्वारा आपको उपयुक्त समय पे वह सब जानकारी दी जाएगी कि कैसे आपको परीक्षा फॉर्म भरना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किन अलग अलग समय पर अलग अलग ट्रेड के अलग अलग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के प्रशिक्षणार्थियों को हम संस्था में बुलाएंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सारी चीज़ों का महत्वपूर्ण ध्यान हम रख सकेंगे। तो आने वाले समय में जब परीक्षा की का टाइम टेबल हमारे पास आएगा एवं जब पोर्टल पे आपके द्वारा जो परीक्षा फॉर्म भरना का जो संबंध में अगर जानकारी आती है, तो आने वाले समय में हमारे यहाँ संस्था में के जो सर है पांडे जी द्वारा आपको अवगत करा दिया जाएगा। तो जो समय उनके द्वारा दिया जाएगा उसी समय में आकर आपको परीक्षा फॉर्म भरना है। एवं कोरोना का जो प्रकोप है अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अभी आपकी परीक्षा भी है आने वाले माह में, तो आप ये जो महामारी है, यह जो बीमारी है, इससे इसके लिए आप घर पे ही रहे, सुरक्षित रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाहर निकलते हैं तो मास्क पहने, ये सभी प्रकार के की चीज़ों का आप ध्यान रखें ताकि आने वाले समय में हम परीक्षा देकर परीक्षा में सफलतापूर्वक पास होंगे, ऐसी अपेक्षा है। तो आप इन सभी विषयों को ध्यान में रखेंगे, और अगर इस मैंने जितने भी चीज़ों को आपके द्वारा बताया है, अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई विषय आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप, मैं अभी आपके सभी ग्रुपों में जुड़ा हूँ, आप मुझे मेरे नंबर पे फीडबैक दे सकते हैं।